आज दुनिया के अंदर लगभग 500 से अधिक क्रूज शिप हैं, जो दुनिया भर में 55 क्रूज लाइन ऑपरेट करती हैं। क्रूज इंडस्ट्री का रेवेन्यू 37 बिलियन डॉलर है, जो हर साल कमाया जाता है 3.5 करोड़ लोगों से जो इन पे ट्रैवल करते हैं। दुनिया में 2,219 क्रूज टर्मिनल हैं, जहां से ये क्रूज लाइन ऑपरेट करती हैं, और हर आदमी जो शिप पे ट्रैवल करता है वो लगभग 10,000 रुपये एवरेज इन पोर्ट्स के ऊपर खर्च करता है जब भी इन पोर्ट्स के ऊपर जाता है। नमस्कार दोस्तों, ये तो थे कुछ आंकड़े क्रूज इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे उन नए जहाजों के बारे में जो 2024 और 2025 में आएंगे, और उनके आने से क्या प्रभाव आएगा वर्ल्ड वाइड क्रूज लाइन की नौकरियों के अंदर, और इन जहाज़ों से कितना रेवेन्यू पैदा होगा। आज हम सब उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से जहाज हैं। चलो सबसे पहले जानते हैं इन जहाज़ों के बारे में और उन क्रूज कंपनियों के बारे में जो इनको लॉन्च कर रही है। ये जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे शिप जो हैं ये 2024 के अंदर या तो लॉन्च हो चुके हैं या होने वाले हैं। सबसे पहले आइकॉन ऑफ द सीज, ये रॉयल कैरिबियन का शिप है जो कि जैनफेब के अंदर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसकी गेस्ट कैपेसिटी 5,610 है, मतलब 5,610 गेस्ट इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। जहां तक क्रू की कैपेसिटी की बात करें तो क्रू इस पे 1,700 की रिक्वायरमेंट है। दूसरा शिप आता है सन प्रिंसेस। सन प्रिंसेस जो है वो प्रिंसेस क्रूज लाइन का शिप है और ये भी लॉन्च हो चुका है फेब के अंदर। इसकी जो गेस्ट कैपेसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 4,300 गेस्ट है। और दोनों जहाज ये डबल ऑक्यूपेंसी वाली, मैं आपको कैपेसिटी बता रहा हूँ फिलहाल। इस पे जो क्रू की रिक्वायरमेंट है वो है 1,400 क्रू मेंबर। तीसरा जो शिप है वो कुनार्ड क्रूज लाइन का है, क्वीन एन। ये शिप मई के अंदर लॉन्च होने वाला था, लेकिन अभी तक ये सेल आउट नहीं हुआ है, मतलब पानी के अंदर नहीं आया है। इसकी जो गेस्ट कैपेसिटी है वो 3,000 गेस्ट है और इसकी जो क्रू की कैपेसिटी है वो 1,000 है। अनदर रॉयल कैरिबियन का बहुत बड़ा शिप जिसका नाम है इथोपिया ऑफ द सीज, जिसकी जो गेस्ट कैपेसिटी है वो 5,668 है और क्रू की रिक्वायरमेंट जो है वो 1,800 गेस्ट है। अगला जो शिप है वो है एक्सप्लोरा 2। एक्सप्लोरा 2 जो है वो MSC क्रूज लाइन का ही शिप है। MSC के दो ब्रांड है, एक उनका बिग शिप्स का ब्रांड है, दूसरा एक्सप्लोरा है जो लग्जरी सेगमेंट है उनकी। ये शिप जो है एक्सप्लोरा 2, ये अगस्त में लॉन्च हो रहा है 2024, जिसकी गेस्ट कैपेसिटी है 922 गेस्ट और क्रू कैपेसिटी है 420। इसके बाद आता है सेलिब्रिटी का 5th एज क्लास शिप। अभी तक 4 शिप आ चुके हैं एज क्लास के और ये 5th सेलिब्रिटी एज है, जो कि लॉन्च होगा दिसंबर 2024 के अंदर और इसकी जो गैस कैपेसिटी है वो है 3,260 गैस, 3,260। इसकी जो इनॉग्रल डेट है अभी वो रिवेल नहीं की गई है और इस पे जो क्रू की रिक्वायरमेंट है वो है 1,100। अगला जो शिप है उसका नाम है सिल्वर रे। ये सिल्वर सीज क्रूज लाइन का नया शिप है जो कि लॉन्च होगा अगस्त 2024 के अंदर। ये लग्जरी सेगमेंट का शिप है, इसकी जो गेस्ट कैपेसिटी है वो है 728 गेस्ट। नेक्स्ट शिप जो है वो है वर्ल्ड डिस्कवर। ये एटलस ओशियन वॉयजेस है, ये एक डिस्कवरी शिप है और इस पे जो गेस्ट कैपेसिटी है वो है 190। क्रू रिक्वायरमेंट है वो है 98 क्रू जो इस शिप को ऑपरेट करेंगे। अगला जो शिप है वो है डिज्नी क्रूज लाइन का, जिसका नाम है डिज्नी ट्रेजर।
ये शिप भी 2024 के अंदर लॉन्च हो रहा है और इसकी जो गैस कैपेसिटी है डबल ऑक्यूपेंसी के साथ वो है 4000 गेस्ट। और इस पे जो क्रू की रिक्वायरमेंट होगी वो कहीं ना कहीं 1320-1400 की रिक्वायरमेंट इस शिप पे आएगी, इस शिप को ऑपरेट करने। आपने नाम सुना होगा रिच कार्ल्टन का, रिच कार्ल्टन का यॉट कलेक्शन ऑलरेडी उनका एक शिप आ चुका है, नया शिप जो आ रहा है उसका जिसका नाम है लमा, और जो आएगा अभी डेट उसकी रिवेल नहीं हुई है लेकिन वो 2024 में ही लॉन्च होगा, जिसकी गैस कैपेसिटी है 456 गेस्ट, जहाँ पे क्रू की रिक्वायरमेंट होगी 250 गेस्ट। ये मैंने जो मोटे मोटे हैं शिप जो लॉन्च हो रहे हैं उनको उनके बारे में आपको बताया है। अच्छा, ये लिस्ट सिर्फ 2024 की है जबकि 2025 की लिस्ट भी इतनी ही लंबी है, जिसे ये मालूम होता है कि क्रूज इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या है। ये शिप सारे 2024 के अंदर लॉन्च हो जाएंगे या लॉन्च हो गए हैं, जो स्टार्टिंग में लॉन्च होने थे 2024 में टोटल 29,140 नई गेस्ट कैपेसिटी ऐड हो जाएगी, जिससे जरूरत पड़ेगी 15,000 गेस्ट कैबिन की जो इन शिप पे बनाए जाएंगे, जितने मैंने आपके शिप के नाम बताए हैं अभी। इसके बाद भी छोटे मोटे बहुत शिप है लेकिन ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि इतने शिप लॉन्च हो गए और इस पे उतनी गेस्ट कैबिन आएंगे। अब बात करते हैं क्रू की। टोटल क्रू जो इन शिप को ऑपरेट करेगा उसकी रिक्वायरमेंट है 9,948 क्रू जो इन शिप के ऊपर रहेगा और इन शिप को ऑपरेट करेगा, लेकिन साथ साथ इन शिप को वेकेशन के अंदर रिप्लेस करने के लिए भी क्रू की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 15,000 क्रू की रिक्वायरमेंट वो सिर्फ इन शिप के ऊपर है जो 2024 के अंदर लॉन्च होंगे इन शिप को ऑपरेट करने के लिए। सो आप हिसाब लगा सकते हो कि इससे कितनी सारी नौकरियां पैदा होंगी 2024 के अंदर। सो ये तो रिक्वायरमेंट थी 2024 की, और इतने ही ज़्यादा 2025 के अंदर शिप आने वाले हैं। जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ इन क्रू शिप का बहुत बड़ा हाथ है उन 2219 पोर्ट पे रेवेन्यू जनरेट करने का, जिसका सीधा असर पड़ता है वहाँ के आम आदमी की जिंदगी पर। और जैसे मैंने बताया कि हर आदमी जो इन पे ट्रैवल करता है वो एवरेज 10,000 रुपये खर्च करता है इन पोर्ट पे, जिसका सीधा सीधा फायदा मिलता है वहाँ के दुकानदारों को जो पोर्ट्स के ऊपर अपनी दुकान खोलते हैं, या जैसे ज्वेलरी शॉप्स हुई, आर्टिफैक्ट्स हुए, सोवेनियर शॉप्स हुई, ये हर तरह की दुकानें हर पोर्ट्स के ऊपर होती है जहाँ पे गेस्ट आके शॉपिंग करते हैं और पैसा खर्च करते हैं। आज हमारे देश के पास इंडिया के अंदर 4 से 5 क्रूज पोर्ट हैं जिनमें कोचीन, मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर और गोवा है, लेकिन ये पोर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कहीं भी नहीं ठहरते। तो ज़रूरत है इन पोर्ट को इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से अपलिफ्ट करना। भारत के पास 7,000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है जो एक बहुत बड़ा अवसर है क्रूज टूरिज्म को डेवलप करने का, और अपने जो करंट पोर्ट्स हैं उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लाने का। इससे क्या होगा, एक तो देश के अंदर बहुत सारे नए रोजगार पैदा होंगे और साथ साथ देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम विथ समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट।